अनाज होता है। हमने कहा भैया कहाँ होता है? बोले आनंद का उल्टा निरानंद। हमने कहा भले आदमी एक बार बता कि निराशा को तो तूने अपनी ओर से लगा लिया, आनंद तो जैसा का तैसा ही बना है ना। अब उसको निरानंद बोल दो, सुखानंद बोल दो, प्रेमानंद बोल दो, ब्रह्मानंद बोल दो, कुछ भी बोल दो, आनंद को बदला जा सकता नहीं। होटल में जाके बढ़िया रेस्टोरेंट में भोजन किया, बढ़िया पनीर की सब्जी आ गई, काजू कड़ी सब्जी आ गई, बढ़िया भोजन कर लिया, किसी ने पूछा कैसा लगा, बड़ा बहुत आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा नहीं है। भोजन से आपको सुधा पूर्ति होगी, पेट भराएगा तो सुख मिलेगा, न कि आनंद। दल्लक के गधे में एसी में सो गए, सुबह उठे बोले कैसा लगा, बोले बड़ा आनंद आया। ये भी आनंद की परिभाषा नहीं है। आपके शरीर को वो ऐसी वो दल्लक का गद्दा सुख प्रदान कर सकता है, आनंद नहीं। क्योंकि आनंद तो मेरे बांके बिहारी है, मेरे गोविंद है, मेरे राम जी है। जो आनंद सिंधु शोक राशि सिंधु हैं, जिनके सिंधु की बिंदु भी यदि किसी जीव को प्राप्त हो जाए तो वो आराम विराम इन प्रपंचों को प्राप्त होता है। ऐसा परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति पालन और सदन का हेतु भी गोविंद ही है। वो जरा से मुस्कुरा जाए तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, वो जरा सा गंभीर हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और जरा सा वो भ्रकुटी को टेढ़ी कर ले तो प्रलयकारी समुद्र में सब कुछ समझ जाता है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। विश्व की उत्पत्ति पालन और सजन का हेतु भी बाकी में है। अगली बार तापत्र विनाशय, चाहे वो आध्यात्मिक ताप हो, आदि देविक ताप हो, आदि भौतिक ताप हो, इन तापों से भी हमें बचाने वाली, इन तापों को विनष्ट करने वाला यदि कोई है तो वो केवल परमात्मा का नाम है, बांके बिहारी का नाम है। तो ऐसे परमात्मा को जो सत्चित आनंद है, जो विश्व की उत्पत्ति और सृजन पालन के हेतु हैं, जो तीनों तापों को विनष्ट करते हैं, ऐसे परमात्मा को यहाँ व्यास जी ने वंदन किया है। वयम नुमा श्री कृष्णाय, वयम केवल मैं नहीं, वयम हम सब लोग परमात्मा बांके बिहारी को वंदन करते हैं। एक और बात, श्रीमद् भागवत के जो प्रतिपाद्य हैं वो तो मेरे गोविंद है, लेकिन भागवत के जो पूज्य आचार्य हैं वो है पूज्य सुखदेव।
जो सुखदेव भगवान मातृ गर्भ में 12 वर्ष तक रहकर भागवत चिंतन करने के बाद 12 वर्ष की आयु में जन्म लेते से ही वन की ओर पधारे। दिगंबरम भक्त भगिन केशम क्रांति के चेहरे पर थोड़ा वक्ष स्थल है, एक कोपिन के अलावा कुछ नहीं धारण करते सुखदेव भगवान। छह उंगल की एक कोपिन पहनते हैं, बाकी ऐसे ही रहते हैं। जन्म लेते ही वन में पधारे, पीछे भागे वेदव्यास जी। अरे बेटा, अरे रुक जा, अरे तेरे एकलौता पुत्र मेरा, तेरे बिना हम कैसे रहेंगे। लौटने का सतत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वृक्ष अभिनेदु, पेड़ पौधों ने उत्तर दिया, व्यास जी आप किसको पुत्र बोलते हैं? कौन जानता है कि आप इनके कितनी बार पिता बन गए, और कौन जानते हैं कि आपके कितनी बार पुत्र बन गए? एक दूसरे के पिता पुत्र कितनी बार बने कोई नहीं जानता। ये सर्वभूत हृदय है, सन्यासी है, जो जन्म से सन्यासी है। ऐसे शुक्राचार्य भगवान श्रीमद् भागवत कथा के पूज्य आचार्य हैं। शास्त्र में एक बहुत सुंदर भूमि बताई है भागवत आदि पुराणों के लिए, वो है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य किसको कहते हैं? क्षण भर के लिए परमात्मा का सुदर्शन चक्र जा रुका। दूसरी बात, जहां जाकर के निमिष मात्र के लिए मन रुक जाए, मन ठहर जाए, उसी का नाम नैमिषारण्य है। अरण्य मन, निमिष मात्र के लिए मन रुक जाए बस, नहीं तो मन तो बड़ा चंचल है माई बाप, फिर रुकता नहीं है। नैमिषारण्य में 88,000 संत विराजमान, और आश्चर्य की बात है ये सब ब्राह्मण है। सोनक जी भी यहाँ विराजमान है, सोनकादि ऋषि, बड़े बड़े उमरात्म निमलात्म ज्ञानी, हजारों वर्ष जिनकी उम्र और उनका जीवन कैसा। बोले एक पुराण की कथा पूरी हो जाए तो दूसरा पुराण शुरू। आहा, कभी किसी को वक्ता बना के बैठ जाते हैं, कभी किसी को उपभोक्ता बना के कथा सुनते हैं, कथा कभी पूरी होते ही नहीं, नैमिषारण्य चलती रहती है। लेकिन वो एक दिन की बात, ये सभी ऋषियों के मध्य मंडली में एक युवा संत आया, नाम है श्री सूत जी महाराज। बोले श्री सूत जी महाराज, ये रोम हर्षण सूत के पुत्र हैं। नाम है रोम हर्षण, या तो नाम है उग्र सर्वा, और जे उम्र ज्यादा नहीं, 20-22 वर्ष रही होगी उनकी, युवा। और जैसे इन संतों ने देखा कि अरे अरे हमारे मध्य में इतने विद्वान पुरुष महापुरुष पधारे हैं, सब उधर खड़े हो गए, सम्मान किया। एक बार कहूं, कथा चल रही हो, हम घर में बैठे हो, हमारे परिवार का या कोई संत हमसे बड़ा कोई आ जाए तो ठूंठ की तरफ बैठना ही रहना चाहिए, कम से कम उठकर उनका सम्मान तो भी करना चाहिए, प्रणाम कर लो, राम राम। कुछ लोग बैठे ही आए होंगे, आए होंगे तो अब विचार करिए, ये युवा संत है 20-22 वर्ष के, वो हजारों वर्ष की उम्र हो गई, आहा, तो भी सम्मान किया, प्रणाम करने दौड़े। सूत जी बोले, अरे 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 महाराज, क्या करते हैं आप, मुझे शर्म लगती है, मैं छोटा हूँ,
उम्र में भी छोटा, ज्ञान में भी छोटा, आप तो बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी क्षमा करना। सोनकादी ऋषि बोले, धनवृद्धा बलवृद्धा आयुवृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धस्य किंकराः शिष्य। विषय विलास विमोह विनाशिनि विमल विराग विवेक विकासिनि भगवत ज्योति परम आत्मज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसरास विलासिनी मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी धर्म भक्ति विरिया